तमाम एनिकार्डी फ्रेंड्स को वैगीज होम किचन गार्डन में बहुत बहुत खुश आमदेद। मेरे गार्डन फ्रेंड्स, जून का महीना हो और हॉट समर ना हो, ये हो ही नहीं सकता। बहुत से मेरे समर फ्लावरिंग और वेजिटेबल प्लांट्स तो इस वक्त रूफ टॉप पे अंडर शेड के नीचे हैं, जहां की बहुत ही अच्छी ग्रोथ जारी है। लेकिन इनमें से कुछ ऑर्नामेंटल और सकुलेंट प्लांट्स ना कि मेरे रूफ टॉप से बल्कि मेरे यहाँ टेरेस से भी, यहाँ इस वक्त सहन में जहाँ इस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, यहाँ शिफ्ट आउट हुए हैं। इन्हीं ऑर्नामेंटल प्लांट में से आज की जो मेरी वीडियो है वो ड्राइसिनिया मैसीगियाना, जिसे ड्राइसिनिया कॉर्न प्लांट भी कहते हैं, उस हवाले से है। अपने गार्डन फ्रेंड्स को मैं ड्राइसिनिया कॉर्न प्लांट के हवाले से तमाम टिप्स, इसकी सॉइल के हवाले से, इसकी प्रोपोगेशन के हवाले से, इसकी सनलाइट के हवाले से शेयर आउट करूंगा। इन्फॉर्मेशन देने से पहले थोड़ी सी मैंने अपने ये सैन के भी ऑर्नामेंटल और सकुलेंट के प्लांट के हवाले से सेटिंग की है, और इस वक्त देखते हैं कि इस वक्त कौन कौन से इस वक्त मेरे इस सहन में ऑर्नामेंटल और सकुलेंट प्लांट्स हैं जो कि मैंने मुख्तलिफ जगह से यहाँ शिफ्ट आउट किए हैं। और जी मेरे गार्डन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कीजिएगा। जैसा कि मेरे गार्डन फ्रेंड्स देख रहे हैं, इस वक्त ये मेरे सहन का ये कॉर्नर है और इसमें मुख्तलिफ ऑर्नामेंटल और सकुलेंट प्लांट्स हैं, जैसे कि ये ड्राइसिनिया है, ये सकुलेंट प्लांट है कॉटिलेडन ऑर्बिकुलाचा, ये स्पाइडर प्लांट है, ये ड्राइसिनिया कॉर्न प्लांट। ये मेरे गार्डन फ्रेंड्स, ये मुख्तलिफ हैं कोलियस के प्लांट हैं, बहुत अच्छी हेल्थी बुशी इनकी ग्रो जारी है और मल्टीपल इसमें वेरीगेटेड लीव्स कलर्स हैं। ये मेरे गार्डन फ्रेंड्स, ये चाइना बाम, अब इसके साथ थोड़ी सी कटिंग होना बाकी है, क्योंकि जैसे जैसे इसके लीव्स हैं इसके रंग कलर चेंज आउट होता है हॉट समर में, जैसे मैंने बताया। ये सिंगोनियम है, दो कलर्स के इसमें हैं, बड़े लीव्स वाले हैं, छोटे लीव्स वाले हैं। इधर ये मनी प्लांट्स है, ये लिलीज के हैं। तो ये थोड़ी सी अभी यहाँ सेटिंग हो रही है तमाम के तमाम मेरे ऑर्नामेंटल और सकुलेंट प्लांट्स के। बेसिकली मेरे गार्डन फ्रेंड्स, डाइसिनिया के तो वैसे बेतहाशा वैराइटीज हैं, जिसमें से डिफरेंस इनके नाम हैं वैराइटीज के हवाले से। मेरे गार्डन फ्रेंड्स ये ड्राइसिनिया जो कॉर्न प्लांट है, इसमें असल जो इसमें इसकी जो खूबी है, इसके ये वेरिकेटेड ये लीव्स हैं, और इसमें स्पेशली जो मुझे जो चीज पसंद आई है इसमें, ये इसके ग्रीन ग्रीन शाइनिंग लीव्स हैं और दरमियान में ये सेंटर्स में ये येलो ये लाइंस हैं। और मेरे गार्डन फ्रेंड्स, इसे बेसिकली तो उसकी जो फैमिली है एगिवेसी है, लेकिन इसे ड्रैगन प्लांट फैमिली के हवाले से भी इसे जाना जाता है, वो के क्योंकि इसकी जो हाइट होती है नॉर्मली 3 फुट से लेकर कोई 6-7 फुट तक होती है। और जहां तक इसका नाम है ड्राइसिनिया जो कॉर्न प्लांट है, हो सकता है इसकी हाइट के हवाले से भी इसे कंसिडर किया जाए कि ये कॉर्न प्लांट है। तो मेरे गार्डन फ्रेंड्स, इसकी जो है प्रोपोगेशन है, अब मैंने कहा से ये प्लांट या मुझे एक, इसकी जो प्रोपोगेशन है एक दो तरीके से होती है, एक स्टेम कटिंग होती है, दूसरी है एयर लेयरिंग। तो मेरे एक दोस्त हैं, उनके घर में लगा हुआ, उनके तकरीबन कोई 6 फुट हाइट थी, साइड से स्टेम्स निकल रही थी, नई से नई शूट आउट निकल रही थी, तो उन्होंने मुझे ये इनकी जो स्टेम्स है वो काट के ये दी हैं। तो अभी रिसेंटली अभी मैंने 1 महीना हुआ है ये ड्राइसिनिया कॉर्न प्लांट लगाया है, और इसके बहुत ही अच्छी हेल्थी ग्रोथ जारी है।
कि जो सॉइल है रिगार्डिंग फ्लांट्स थोड़ी सी इसकी ये एसिडिक सॉइल जिसका पीएच लेवल 6.0 से 6.5 होना चाहिए वो ऐसे जरा को इसके लिए सूटेबल है। सॉइल इसकी मॉइस्टी हो, वेल ड्रेनेज पॉट हो, ओवर वाटरिंग आपने नहीं करनी और ना ही पानी की कमी करनी है इस प्लांट, यानी बैलेंस है जो मॉइस्ट आपकी सॉइल इस प्लांट के रहे। और मेरे गार्डन फ्रेंड्स इसमें सनलाइट के हवाले से बेसिकली ये है कि इसको आप इंडोर भी रख सकते हैं, इंडोर में या जहाँ कमरे के अंदर जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट यानी आपकी विंडो से, खिड़की से, शीशे से या अंदर से इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो वहाँ भी बहुत अच्छी की हेल्थी ग्रोथ रहेगी। और मेरे वहाँ इसको यहाँ नीचे सैन में रखने का पर्पस ये है कि कॉर्नर में यहाँ नॉर्मली हार्डली आजकल के हॉट वेदर में बमुश्किल एक या दो घंटे की सनलाइट आती है जो कि इसकी हेल्थी ग्रोथ के लिए काफ़ी है। और जहाँ भी आप इसको रखें चाहे आप सैन में रखें लेकिन कोशिश करें कि डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें। और इसके जो नए से नए जो लीव्स हैं बेसिकली इसकी जो ग्रोथ होती है हेल्थी है ये टेम्परेचर है 18 से 25 सेंटीग्रेड, जो हमको हमारा बहार का मौसम होता है स्टार्ट समझने फरवरी से लेकर अप्रैल तक है इसकी बेस्ट ग्रोथ होती है और ये नॉर्मली इसी टेम्परेचर को ये पसंद करता है। उससे कम टेम्परेचर में जैसे बहुत ज़्यादा सर्दियों में चिल्ड वेदर में या टू मच हॉट वेदर में तो आपकी इसकी टेम्परेचर के मुताबिक इसकी प्लांट आप केयर आउट करें तो इसकी हेल्थी से हेल्थी ग्रोथ होती रहेगी। और जैसे मैंने बताया कि 6 फुट तक जाता है, अभी तो फिलहाल मेरे ये मैंने ये कटिंग है ये 7 इंच के पॉट में लगाई है और जो जो आगे मेरे नए नए लीव्स लिखेंगे इस पे तो उसकी आगे से मैं आगे की प्रोपोगेशन इंशाल्लाह मैं भी करूँगा। और मेरे गार्डन फ्रेंड इस पे फ्लावर्स भी आते हैं और फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस होती है लेकिन सफेद सफेद रंग के गुच्छों में फ्लावर्स होते हैं लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली लोग फ्लावर्स को ज़्यादा पसंद नहीं करते ना कि इसके वेरीगेटेड लीव्स को इसकी जो वेरी क्योंकि जब फ्लावर्स पे आप इस पर प्लांट को रखेंगे तो उसमें जो नए लीव्स का आने का जो सिलसिला है वो थोड़ा सा रुक जाता है। तो असल में ब्यूटी है इस प्लांट की भी इसके वेरीगेटेड लीव्स की है जैसे मैंने अभी शुरू में बताया है कि जो से इस ग्रीन शाइनी लीव्स में ये येलो लाइन्स हैं। तो मेरे गार्डन फ्रेंड्स ये थोड़ा सा इस प्लांट के हवाले से इन्फॉर्मेशन है। मैंने भी जो लगाया है इसके फर्टिलाइजर के हवाले से अभी तो मैंने फिलहाल जस्ट है वर्मी कंपोस्ट पत्तों की खाद और सॉइल में थोड़ी सी रेत मिक्स करके लगाया हुआ है और आगे जो आगे फिलहाल इसकी जब हेल्थी ग्रोथ के हवाले से मुख्तलिफ मैं लिक्विड फर्टिलाइजर्स में आगे यूज़ करूँगा जिसमें DAP भी शामिल होगी, NPK भी होगी, मुख्तलिफ उसमें रेशियो होती है NPK की। अभी तो फिलहाल मैंने जस्ट अब इसको लगाया हुआ एक महीना हुआ हुआ है और अब आगे देखेंगे कि फिलहाल इसकी कैसी आगे हेल्थी ग्रोथ होती है। तो ये मेरे गार्डन फ्रेंड्स अपनी ये ड्राई सीनिया जो ये जो कॉर्न प्लांट है इस हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि अपने गार्डन फ्रेंड्स को मैं देना पसंद करता था। और उम्मीद करेंगे कि मेरे गार्डन फ्रेंड्स को ये वीडियो पसंद आएगी। बाय आसिम नवाज़ फ्रॉम वागीस होम सिंगाल।